क्या खाए क्या ना खाए, ये कैसी मुश्किल है। बताओ ना, जरूरी बात क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, बताता हूँ, रुक जाओ, तुम्हें प्यास लगी है? अब जब तुमने पूछा ही है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ पी लेना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। तो बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, हम सब कुछ पीना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्लीज कोई ड्रिंक लेकर आइए। उसे हिंदी समझ आती है। ये कौन है सुनियो? ये सोमलियर है, मेरे पापा के नए एम्प्लॉई। सोमलियर? वो क्या है? सोमलियर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ये लोगों को खाना तो परोसते ही हैं, साथ में लोगों को ड्रिंक्स चुनने में भी मदद करते हैं। तो ये लोग ड्रिंक्स चुनते हैं क्या? तुम्हें पता है दोस्तों, इन्हें मेरे पापा ने मेरे जूस को सिलेक्ट करने के लिए रखा है। हमारे घर में और भी कई सारे सोमलियर्स हैं। अब मेरी बात सुनिए, शिजुका के लिए अच्छा सा जूस ले आइए प्लीज। जी, अभी लाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका पसंदीदा जूस कौन सा है। ये किस तरह का जूस है? इस जूस को पीने के बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आप इन गर्मियों को भूल जाएंगी। ये बहुत ही ठंडा और एकदम ताज़ा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही पीऊंगी। जी, अभी लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। सही कहा। आखिर तुम लोग इस मामूली जूस से इतना खुश क्यों हो रहे हो? ये प्रीमियम जूस एक अच्छे से बनाया हुआ कमाल का मिश्रण है, जो कि ताजे संतरों से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये जूस आपको पसंद आया होगा। ये दुनिया की खास चीजों से ही जूस बनाते हैं, समझे तुम नोबिता? मेरे भी घर में एक ऐसा सोमिलियर है। पर तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता, जूस बहुत ही अच्छा था। तुम मेरी दोस्त हो ना डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। क्या कहा? तो सब लोग दोपहर में घर आ रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक मिनट, मैंने सुना है कि फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर में रोबोट्स किराए पर मिलते हैं। मैं सही कह रहा था? साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि इसे मुफ्त में ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? डोरेमोन, देखो क्या ये वही है? वो मैं आपको वो सब कुछ बना कर दूंगा जो आप चाहते हैं। सब कुछ? जी हाँ, मैं ड्रिंक्स, खाना, स्नैक्स और सब कुछ चुनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बढ़िया है, हम बच गए डोरेमोन। जी हाँ, टेस्ट करने के लिए हमें स्नैक्स ला कर दीजिए। हमने अभी लंच नहीं किया, कुछ हल्का ही खाएंगे। जी, अभी लाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। ये स्नैक हल्का तो है ही, साथ ही नर्म है और इसका स्वाद भी बहुत ही निराला है। क्या आपको डोरा केक का प्रीमियम स्वाद पसंद आया, बताइए मुझे। उम्मीद है पसंद आया होगा। मीचान, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। ये कितना टेस्टी लग रहा है। जी ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये चुना है। अजीब सा टेस्ट है। अरे बात क्या है, इसमें तो बीन जाम ही नहीं है। इसी वजह से तो ये इतना हल्का होता है। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि ट्रायल पीरियड में ये इसी तरह चलने वाला है। ऐसा कीजिए, जूस ले आइए, ऐसा जूस जो प्रीमियम क्वालिटी का हो, एकदम तरोताजा कर दे। जैसा आप लोग कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। बताइए, ऐसा जूस कैसा रहेगा जो आपको ताजगी से भर दे और ऐसा लगे कि ठंडी हवा का झोंका आया हो। ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि सदन फ्रांस से आया हुआ ठंडी हवा का कोई झोंका हो। बढ़िया है, शिजुका को ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है, वही पियेंगे। तो ये लीजिए आपका जूस। ये तो नॉर्मल जूस है। ठंडी हवा का झोंका तो नहीं आया? यहाँ से आएगा हवा का झोंका। मॉम इसके लिए बहुत डांटेंगी।
नोबिता, तुम्हारा फोन आया है। हेलो, मैं नोबिता हूँ। कहा था तुम हमें लंच पर बुलाने वाले हो नोबिता, तो क्या हम सब लोग आ जाएं? सुनियो, अभी नहीं, कुछ देर बाद। ठीक है, मैं समझ गया, हम आ रहे हैं। अरे सुनो ना, जूस भूल जाइए, कुछ खाने के लिए मंगाइए, वो बस आने ही वाले हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। तो बताइए, क्या आप बाहर के नज़ारे के साथ कुछ स्मोक्ड फिलिंग की सुगंध से भरा ब्रेड खाना पसंद करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बाहर का नज़ारा, तुम्हें क्या लगता है? हमें भरोसा करना ही होगा डोरेमोन। आखिर ये कहाँ जा रहा है? जरा रुकिए, ये लीजिए। अरे ये क्या है? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तो लीजिए ये रहा। ये क्या? अरे आप दोनों इस फिलिंग के स्मोक का मजा लीजिए और साथ में ये ब्रेड खाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तेरे मन इसको बोलो कि हमारे साथ मजाक करना बंद करे। hey, नोबिता। ये लोग आ गए। हम वो कमाल का लंच खाने आए हैं जिसकी तुमने बात की थी। अरे तुम अपने सोमिलियर को साथ क्यों लाए हो? मुझे पता था तुम्हारा लंच अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इनको साथ ले आया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए कैसा मेन्यू तैयार किया है। इस मेन्यू में सभी चीजें बहुत ही कमाल की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। खाना इतना लजीज होगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये सब सुन के ही मुँह में पानी आ रहा है। तुम्हें खाने तक का इंतजार करना चाहिए। सच में मेरा वो सब खाने का बहुत मन है। बेवजह हमारा। और ये लंच बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हम इसे कभी भी नहीं जीत सकते। अब आपकी बारी है, अपने लंच के बारे में बताइए। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ कमाल का है। ये है कमाल का खास तौर पर आपके लिए बना एक बहुत ही उम्दा लंच, और इस लंच को खाने के बाद आप वाह वाह करेंगे। अरे वाह, कमाल हो गया। सुनने में ये भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो लंच है वो वाकई कमाल का है। आखिर हमें कितना दूर जाना है? मैं चल चल कर बहुत ही थक चुका हूँ। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम कितना दूर जाने वाले हैं? तो आ गई आपकी मंजिल। पर रास्ता तो खत्म हो गया है। जरा मुझे एक मिनट दीजिए। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? तो आ जाइए मेरे साथ। क्या आप सभी को पता है कि एक असली खजाने की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है उसके अंदर का दिल मोह लेने वाला रत्न। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर का चमचमाता हुआ हीरा, जिसे हर कोई पाना चाहता है, मैं भी। कमाल है। मुझसे रुका नहीं जा रहा है। क्या ये सब असली में होगा? जी हाँ। क्या आप नीचे उतरेंगे? जरा मेरे लिए रुको। जो अगला खजाना है वो समंदर का खजाना है, और ऐसे नमकीन स्वाद से भरा हुआ है कि आप सागर की लहरें महसूस करेंगे। लेकिन ये समुंदर का खजाना रेगिस्तान में क्या कर रहा है? हमें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। जब आप अपने उस खजाने तक पहुंचेंगे, तब आपको मिलेगा स्वाद का एक सीक्रेट खजाना अपने दोस्तों के साथ। मैं वो खाना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है। ध्यान से, मेरी भूख से जान निकल रही है। सुनियो, मेरा हाथ मत छोड़ना। हम खाएंगे तो सब साथ में ही खाएंगे। नोबिता, हिम्मत मत हारना। क्या आप एक कमाल के लंच का मजा नहीं लेना चाहते हैं? मुझे भूख लग रही है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अरे ये क्या है? ये जगह तो कमाल की है। कितना खूबसूरत है। जानता हूँ कि आप सभी को बहुत ही भूख लगी है और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो ये रहा आप सभी के लिए वो खास लंच। आखिरकार पता नहीं ये क्या होगा। मजा लीजिए इस लंच का। ये तो बस उबले हुए चावल के लड्डू और पानी है। क्या आपने ये खिलाने के लिए हमें इतना चलवाया? बस मुझसे और सहन नहीं होता। सच में ये तो असली स्वाद का सीक्रेट खजाना है, जैसे कि कोई हीरे का डिब्बा। और इसके अंदर का ये बादाम सच में हीरे जैसा है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है।
अरे वाह, समंदर की गहराई से निकाली हुई सब्जियाँ। इसका स्वाद मुझे जलपरी जैसा महसूस करा रहा है। मजा आ रहा है। क्या बात है नोबिता? ये इतना अच्छा है कि मेरे आंसू रुकी नहीं रहे हैं। ये पानी भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। इस खाने के स्वादिष्ट होने के पीछे बस एक ही राज है, और उस राज में छिपे हुए हैं मेरे बढ़िया मसाले। महंगे से महंगे मसाले भी ऐसा कमाल का स्वाद नहीं दे सकते। आप वाकई कमाल के हैं। आपका शुक्रिया। क्या हमें अदरक वाली चाय मिल सकती है प्लीज? जी बिल्कुल, मेरे पास है कुछ कमाल का। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एक अच्छी गर्म चाय का मजा लेने के लिए आपको ठंड का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं जम गया। मुझे ये समीलियर बिल्कुल पसंद।